तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि कैसे किसानों की साल भर की मेहनत बारिश की भेंट चढ़ गई है। मौसम में हो रहे लगातार बदलाव के चलते फतेहाबाद में बारिश हुई। फसल कटाई के बाद किसानों का गेहूं मंडियों में पहुंच गया है। खरीद और उठान में देरी के चलते किसानों का गेहूं खुले आसमान के नीचे पड़ा है। मंडियों में रखी गेहूं की बोरी प्रशासन और खरीद एजेंसियों की लापरवाही की वजह से बारिश में भीग गई। प्रशासन और खरीद एजेंसियों की इस लापरवाही का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, आज सरकार और प्रशासन के साथ साथ कुदरत की भेंट किसान का जो है पीला सोना चढ़ा है। अचानक बारिश आई और बारिश में यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रबंध नहीं था। जो कणक तुलगी है उसमें वो भी खराब हो रही है और जो नहीं तुली किसान लेके आया है वो भी सारी भीग गई, जिससे उसको जो है काफ़ी नुकसान भी होगा, उस सूखने का इंतज़ार भी करना पड़ेगा और जो भीग गई वो ख़राब भी होगी। हम देख सका हाँ इसमें अपने टवाणा मंडी में कि जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था ना तो सरकार करी ना प्रशासन कर रहा। सबको पता है कि भाई इतनी कणक मंडी में आवे है और साथ के साथ उठान नहीं करने लग रहे। साथ के साथ अगर उठान भी हो जावे तो जो कणक तुलगी वो तो कम से कम बच जावे, वो तो खराब नहीं हो। अचानक बारिश होने से किसानों और व्यापारियों को फसलों को ढकने तक का मौका नहीं मिला। किसानों ने खरीद एजेंसियों और प्रशासन को इस नुकसान का जिम्मेदार ठहराया है। आपको बता दें कि गेहूं में नमी होने के कारण कभी अनाज की खरीद नहीं हो पाती है तो कभी उठान न होने से परेशानी होती है। इन्हीं लापरवाहियों की वजह से मंडी में खुले में पड़े गेहूं की ये दुर्गति हो रही है। भाई के करना, भी गवर्नमेंट तो बयान कुछ बोल रहा है, तीन दिन में उरे बैठे हूँ और ऊपर बाहर हलारी उड़ना उरे खाड़ी खाड़ दाने की जगह ये भी जिम्मेदारी को सुनाइयो नहीं करे। तो खरीद नहीं हुई आपकी फसल? ना कोई खरीद नहीं हुई। कितने के लेके आए थे आप फसल यहाँ? ये चाहे ट्रली पड़ी है भाई, तेरा तो रहे तो खराब होगी बरसात में। खराब होगी सरकार में भाई मांग तो नहीं, हमारा अनाज गला तुलका जाना चाहिए। बहरहाल किसानों का यही कहना है कि अगर समय से उनकी फसल की खरीद और उठान हो जाता तो उनकी ये मेहनत यूं जाया न जाती। सूर्या समाचार के लिए फतेहाबाद से जसपाल सिंह की रिपोर्ट।